मेहनत करना सीख गए, यहाँ हो वहां हो कुछ भी काम करोगे सफल जरूर हो। दुनिया में चाहे छोटा सा छोटा काम है, वो MBA चाय वाला का नाम सुना ना तुम? किसी ने सोचा था कि कोई चाय बनाने वाला करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खाली कर दे? नहीं सुना था ना? किसी ने सुना था कोई कोचिंग वाला सालाना 10 करोड़ रुपए कमाएगा? विशाल दिव्य कीर्ति सर तुम्हारे सामने है ना? विशाल दिव्य कीर्ति उन्होंने क्या किया? इतने से कमरे से उन्होंने शुरुआत कर। जब मैं 2017 या 2016 में मुखर्जी नगर गया था, मतलब ऐसे तब विशाल दिव्य कीर्ति सर का मात्र एक कमरा और वो कमरा दो ही कमरे थे। आज के डेट में वो बंदा महीने के 1 से 1.5 करोड़ रुपए कमा रहा है। सोचो आप, किसी ने सोचा था कि हमेशा औरतें ही खाना बनाती ना? औरतें खाना बनाती। किसी ने संजीव कपूर का नाम सुना है? संजीव कपूर जिसकी आज दुनिया में 55 देशों में रेस्टोरेंट है। सोचो आप, एक आदमी खाना बना के इतना पैसा कमाते हैं। अमित बड़ाना तुम्हारे सामने मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अमित बड़ाना के नाम मार्क करके दूंगा कि किस दिन मैंने ये पेपर पढ़ाया। देख अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है। देखो अभी तुम छोटे हो, छोटे मतलब तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हें अक्ल नहीं आ रही है। अभी तुम्हें ये है कि चलो पैसा मिलता है, घर वाले देख रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। एक एज मैंने बताई, हर आदमी के हर एक एज होती है। अभी तुम्हारा मन है कि हमने शादी नहीं करनी, सबके मन में ये है ना, शादी नहीं करनी हमने। ठीक, एक एज ऐसी आती है जब लगता है आदमी को कि हाँ मुझे शादी करनी चाहिए। ये तुम्हारे शादी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, सबके मन में। अभी तुम्हें पैसे का ज्यादा नहीं, अभी तुम्हें पैसे का ये है कि हाँ मेरे पास पैसा हो जाए, रिचार्ज करा दूं, कपड़े खरीदूं। एक टाइम पे तुम्हें ऐसा आएगा ना कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे पैसा बचाना है, मुझे अपने पैसे जोड़ने, तुम्हें अपने अकाउंट में पैसे देख के खुशी हो, मेरे पास 50,000 है, मेरे पास 1 लाख रुपए। तो हर एज आएगी, एक एज ऐसी आती है, आदमी बोलता है मैं शादी करूंगा, बच्चे नहीं करूंगा, हम तो बस देंगे। एक एज ऐसी आती है जब खुद आदमी को लगता है कि नहीं बच्चे भी होंगे, समझ रहे हो आप? अपने विषय में तुम्हें बोलते अपने आप इतना बिजी रख लो, इतने बिजी रख लो तुम्हें पता ही नहीं चलेगी। और तुम्हारी एज तो ऐसी है भाई साहब, इतना पढ़ना था ना तुम, इतना पढ़ना था कि तुम्हें तीन दुनिया की फर्क ही नहीं पड़ता। और मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि शायद तुम में से किसी के माँ बाप ऐसे होंगे जो ये बोलते होंगे तू कोचिंग क्यों जा रहा है या तू कोचिंग से देर में क्यों आया। अगर किसी के मम्मी बाप ऐसे होंगे तो बताओ, मैं तुम्हें बोलता हूँ 8 बजे आते हो, 3 बजे घर जाओ। बैठने का क्या है, जिसे पढ़ना है वो नीचे बैठ जाए, हमें दरी बिछाई यहाँ पे तुम्हें सब पढ़े बच्चों आप बैठ रहे हैं, बैट वालों से तुम देखो वहां दरी बिछा के पढ़ रहे हैं। और तुम्हें ऐसा लगता है ना कि भैया को इतना आता है, भैया कुछ नहीं आता है, भैया को ये है कि भैया ने तुमसे थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया। अब तुम जब ये चीज पढ़ लेते हो तो तुम्हें भी लगता है कि हाँ भैया कुछ तो आता है, बस तुम में और मुझे फर्क इतना है कि मैं बार बार एक चीज को पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, फोन में बहुत कम डाइट देता हूँ, फालतू नहीं घूमता हूँ। तुमने मेरा कोई दोस्त आज तक मेरे किसी दोस्त के साथ फोटो नहीं देखी, कोई कुछ नहीं। मैंने तुम्हें बताया था, मेरे सिर्फ एक ही दोस्त है वो ऋषिकेश वाला, वो जो आता है योगा के लिए, मैं जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, पूरे फैशन भी पूरा करता हूँ, मैं कुछ नहीं लेटेस्ट फैशन जो भी होता ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम ही ये सब करो, अच्छे बनो, बस पेपर निकले ना निकले वो अलग बात है, पर मैं इतना बता रहा हूँ कि तुम यहां से जब निकलोगे, जब भी निकलोगे, तुम्हें इतनी समझ में आ जाएगी कि हाँ मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, और मेहनत करके ही तुम आगे बढ़ोगे, बस इतना बात जाने। वो अलग बात है किसी के किस्मत चमक जाएगी, किसी की शादी किसी अमीर जाति के साथ हो जाए, विधायक की लड़की के साथ हो जाए, किस्मत वो अलग बात है। क्योंकि बोलते ना आते कि किस्मत कभी पलट सकती, तुम्हारी किस्मत पलट, पर मेहनत तुम्हारे हाथ, मेहनत करना सीख गए, यहाँ हो वहां हो कुछ भी काम करोगे सफल जरूर हो। दुनिया में चाहे छोटा सा छोटा काम है, वो MBA चाय वाला का नाम सुना ना तुम? किसी ने सोचा था कि कोई चाय बनाने वाला करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खाली कर दे? नहीं सुना था ना? किसी ने सुना था कोई कोचिंग वाला सालाना 10 करोड़ रुपए कमाएगा? विशाल दिव्य कीर्ति सर तुम्हारे सामने है ना? विशाल दिव्य कीर्ति उन्होंने क्या किया? इतने से कमरे से उन्होंने शुरुआत कर। जब मैं 2017 या 2016 में मुखर्जी नगर गया था, मतलब ऐसे तब विशाल दिव्य कीर्ति सर का मात्र एक कमरा और वो कमरा दो ही कमरे थे। आज के डेट में वो बंदा महीने के 1 से 1.5 करोड़ रुपए कमा रहा है। सोचो आप, किसी ने सोचा था
ये हमेशा औरतें ही खाना बनाती बनाती ना औरतें खाना बनाती। किसी ने संजीव कपूर का नाम सुना है? संजीव कपूर जिसके आज दुनिया में 55 देशों में रेस्टोरेंट है। सोचो आप, एक आदमी खाना बना के इतना पैसा कमाते हैं। अमित बड़ाना, तुम्हारे सामने मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अमित बड़ाना के नाम सुना है? यूट्यूबर अमित बड़ाना, पहली वीडियो देखना कैसे बनाया। आज के डेट में कैटरीना कैफ क्या हो, बॉय कौन हो, ध्यान आती वन बाम नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सोचो आप, जब आपने सरफरोज देखी थी उसने बोरे में बंद करके जो मार खा रहा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, और आज की डेट में करोड़ों 10 करोड़ 15 करोड़ ऐसे पैसे दे रहा है। किस वजह से? मेहनत की वजह। ठीक है, तो आज का मोटिवेशन क्लास खत्म। बताओ आप, तुम जल्दी